वेलकम, दिस इज़ योर टीचर फ्रॉम स्टडी स्कूलिंग सिस्टम। हाउ आर यू ऑल? बेटा कैसे हैं आप सब लोग? आज कल हमने यूनिट 6 वर्टिब्रेट्स और एंड इन वर्टिब्रेट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ वर्टिब्रेट्स और इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम चैप्टर रीड करेंगे, पेज नंबर 33 की रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स: वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियंस, फिश। देयर आर मैनी डिफरेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन मैनी वेज। वो एनिमल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे वेज से। एंड आर क्लासीफाइड इन टू टू मेजर ग्रुप्स, और जो क्लासीफाइड हैं टू मेजर ग्रुप्स में। डू यू नो ऑन वॉट बेसिक एनिमल्स आर क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स? क्या आपको पता है कि कौन से एनिमल्स हैं जो क्लासीफाइड हैं टू ग्रुप्स में? यस, यू नो, आपको पता है। इट इज़ द बैकबोन ऑन द बेसिक ऑफ विच साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स। बेटा बैकबोन क्या होती है? बैकबोन जो है वो रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। तो हमारी बैकबोन की बुनियाद पर साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है एनिमल्स को कैटेगरीज में। These two major groups are vertebrates and invertebrates. ये जो दो major group हैं वो कौन कौन से हैं? कौन से हैं बेटा? Vertebrates और invertebrates. Vertebrates के बारे में थोड़ा सा read करते हैं। Vertebrates are animals with a backbone. Vertebrates animals के पास बेटा क्या होती है? Backbone होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। A long bone made up of many small bones. Backbone क्या होती है बेटा? Backbone जो है वो एक long bone है जो बहुत सारी स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी है। दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। उन स्मॉल बोन्स को वर्टिब्रे भी कहते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन। वर्टिब्रेट्स के पास जो है वो एक इंटरनल स्केलेटन होता है, और अ स्केलेटन इन द बॉडी कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। और जो स्केलेटन उनकी बॉडी में होता है उसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। तो बेटा आज हमने यूनिट नंबर 6 में पेज नंबर 33 की रीडिंग की। आज हम इसे यहीं तक स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपने अच्छी तरह पेज नंबर 33 पर रीडिंग करनी है, इसको अच्छी तरह समझना है। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।